बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मई के सिलेबस में फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1 और ये फैक्टराइजेशन की पहली एक्सरसाइज है। तो फैक्टराइजेशन के बेशुमार असूल हैं जिससे हम इस चीज़ों को फैक्टराइज करते हैं। तो पहला जो उसका होता है वो होता है कॉमन लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है 2abc - 4abx + 2abd, तो आपने इसमें से कॉमन लेना है। तो हमारे पास इसमें कॉमन आएगा 2ab। आप इसमें से आप 2ab निकालेंगे तो पीछे c बचेगा, माइनस इसमें से 2 2s are 4, ab बाहर चला गया, पीछे बचेगा 2x, प्लस इसमें से 2ab बाहर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, d। तो ये इस तरह इसका ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 9xy - 12x² y + 18y². तो इसमें कॉमन लेंगे 3y, देखें 3 तीनों पर डिवाइड हो रहा है, 9, 12 और 18 पर, और y भी तीनों में कॉमन है, तो 3y कॉमन आ जाएगा। तो फर्स्ट में 3y निकाल लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, y बाहर चला गया, x बचा, माइनस 3 4 ज़ा 12, y बाहर चला गया, पीछे एक्स स्क्वेयर बचा, प्लस 3 6 ज़ा 18, y बाहर चला गया, पीछे y बचा। तो इस तरह ये इसका आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है -3x² y - 3x + 9xy². इस पूरे में से कॉमन लेंगे तो -3x कॉमन ले लिया। आप फर्स्ट में देखें तो माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक x बच गया और एक y बच गया, प्लस ये पूरे मुकम्मल तौर पर बाहर चला गया तो 1 बचा, माइनस माइनस क्यों हो गया प्लस की जगह पर, क्योंकि बाहर माइनस है, और 3 3 ज़ा 9, एक्स बाहर चला गया, पीछे वाई स्क्वायर बचा। तो इस तरह ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा पार्ट है 5ab² c³ - 10a²b³c - 20a³b²। इस पूरे में से हमने कॉमन ले लेंगे 5abc। अब फर्स्ट में क्या बचेगा, 5 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, b 2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 अंदर बच गया, और c 3 थे तो 1 बाहर चला गया, 2 अंदर बच गया, तो bc² - 5 2 ज़ा 10, a 2 है, यहाँ पे 1 बाहर चला जाएगा, 1 अंदर आ जाएगा, b 3 है तो 1 बाहर चला गया, 2 अंदर बच गए, c 1 ही था तो वो बाहर चला गया, -5 4 ज़ा 20, a b c बाहर निकाल लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 3x³y - x - 3y - 7x²y² - x - 3y। ये क्वेश्चन है, आप इसमें देखें जरा गौर से, तो इसमें ऑलरेडी ब्रैकेट हमारे पास कॉमन है, x - 3y x - 3y, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, 3x³y - 7x²y². अब यहां पर आप देखें इस ब्रैकेट में, सेकंड वाली ब्रैकेट में अभी मजीद कॉमन है। अब इसको पहले आपने इसमें से कॉमन लेना है ताकि ये सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, x²y, तो x²y हमने बाहर ले लिया, इसमें पीछे बचेगा 3x - 7y, और ये वाला जो ब्रैकेट है x - 3y, ये एज इट इज आ जाएगा x - 3y। तो ये आंसर आ स्टूडेंट्स, नंबर 6 पार्ट है इसका 2xy³ (x²+5) + 8xy² (x²+5). अब इसमें स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिया x²+5, और पीछे जो बचेगा वो है 2xy³ + 8xy². तो ये पिछले क्वेश्चन में देखें, और इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, और इसको इससे पहले भी लिख सकते हैं। तो इसमें अभी देखें मजीद कॉमन है 2xy², तो इसमें से कॉमन लेंगे तो पहले में y बचेगा, फिर 2 4 ज़ा 8, और xy² बाहर चला गया तो y + 4 × ये एज इट इज आ जाएगा x²+5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है, आप देखें यहाँ पे ये जो स्टेप है हमारे पास, इसमें 4 नंबर आ गए, तो आपने 2-2 में कॉमन लेना है। तो पहले में देखें दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, पीछे बचेगा 5x - 3y, इन दोनों में क्या कॉमन है, -b कॉमन है, तो पीछे क्या बचेगा, 5x - 3y। अब इस पूरे में क्या कॉमन है, 5x - 3y,
पीछे बचेगा ए माइनस बी, तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप है, यानी दूसरा रूल है। इसमें देखें सेम क्वेश्चन है, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8, फर्स्ट टू में कॉमन देखा y कॉमन है, पीछे क्या बचेगा 3x प्लस 2, सेकंड में आप देखें माइनस 4 कॉमन है, क्या बचा 3x प्लस 2, इस पूरे में क्या कॉमन है 3x प्लस 2, और इसके जब 3x प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो पीछे बचेगा y माइनस 4, ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है x 3 प्लस 3x y 2 माइनस 2x 2y माइनस 6y 3। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, इस फर्स्ट टू में कॉमन लें x कॉमन आएगा, तो x 2 प्लस 3y 2, सेकंड टू में कॉमन लिखें तो माइनस 2y कॉमन है, तो x 2 प्लस 3y 2। अब इस पूरे में कॉमन देखें तो क्या है x 2 प्लस 3y 2 और पीछे आएगा x माइनस 2y, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो कंटिन्यू है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, x 2 माइनस y 2 इंटू z प्लस y 2 माइनस z 2 इंटू x। पहले आपने अब यहां पे देखें कि हमारे पास ब्रैकेट सेम नहीं है, जब हमारे पास ब्रैकेट सेम नहीं है तो इसका पहले हमें ब्रैकेट फिर खोल देना होगा। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, x 2z माइनस y 2z प्लस y 2x माइनस z 2x। अब इसको आप अरेंज करेंगे, तो पहले हमने अरेंज किया x 2z माइनस z 2x और प्लस y 2x माइनस y 2z, इसको अरेंजमेंट कर लिया। अरेंज करने के बाद अब आप फर्स्ट टू में कॉमन निकालेंगे, x z कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट बचेगा x माइनस z, और दूसरे में y2 कॉमन है तो पीछे बचेगा x माइनस z। अब इस पूरे ब्रैकेट में क्या, पूरी स्टेटमेंट में क्या कॉमन है, x माइनस z इंटू एक्स जी प्लस वाई टू, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट पार्ट है। अब ये तीसरा रूल है फैक्टराइजेशन का। तीसरा रूल में क्या होता है कि हमें फार्मूला बनाना होता है, तो 144a2 प्लस 24a प्लस 1, तो 144a2 का स्क्वायरिंग फॉर्म बनेगी 12a का होल स्क्वायर प्लस 2 12ax, यानी ये 2a हो गया और 1 की जगह b आ जाएगा, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 12a प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा सेम क्वेश्चन है, a2 ओवर b2 माइनस 2 प्लस b2 ओवर a2। इसको पहले इसके फार्मूले की शेप दीजिए, a ओवर b का होल स्क्वायर माइनस 2a ओवर b, और b की जगह आ जाएगा b ओवर a प्लस b ओवर a का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस यही चीज बनेगी। तो अब आप देखें आगे, तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a ओवर b माइनस b ओवर a का होल स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री का, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। ये भी सेम क्वेश्चन है, फार्मूला बनाना है, तो इस पूरे को आप ब्रैकेट को a ले लें, माइनस 2ab, b क्या आ जाएगा 7z प्लस 7z का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई माइनस 7z का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। चौथा पार्ट देखें इसका, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो अब इसमें फार्मूला नहीं बन रहा, तो पहला रूल हम अप्लाई करेंगे इस पर, केस में से अगर कॉमन है तो वो देखेंगे, तो 3 पूरे में कॉमन है, 3 को बाहर निकालेंगे, 3 4 जो 12x स्क्वायर माइनस 12 3 जो 36x प्लस 3 9 जो 27। अब इसको फार्मूले की शेप दीजिए, 3 ये आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है का फर्स्ट पार्ट, ये आप जो है आपका चौथा रूल है फैक्टराइजेशन का, कि कॉमन भी देखना है और फॉर नेक्स्ट फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, तो 3 कॉमन ले लीजिए, पहला रूल अप्लाई किया, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, क्योंकि 25 3 75 होता है, इज इक्वल टू 3
अब इसको फार्मूले की शेप देंगे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस फाइव वाई का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट कौन सा लग रहा है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो किसके बराबर हुआ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव वाई इंटू एक्स माइनस फाइव वाई।